श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में अज्ञात कारणों से लगी आग, जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। नौ जिले के तावड़ उपमंडल की सीमा से गुजर रहे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शनिवार की रात श्रद्धालुओं से भरी बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जहां बस में सवार 9 लोग जिंदा जल गए जबकि 2 दर्जन से अधिक बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस में 60 लोग सवार थे जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये सभी नजदीकी रिश्तेदार थे जो पंजाब के लुधियाना, होशियारपुर और चंडीगढ़ के रहने वाले थे। 1:45 ये आग लग गई बस, फिर हमें अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा। इतना धुआं था कि सांस घुट रही थी, बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। सबको खुद की पड़ी, अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। सब भाइयों को, नौजवान बच्चों का मैं कहूँगा कि ईश्वर तुम्हें हिम्मत दे भाई, कभी भी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो तो हिंदू मुसलमान को लेकर मत चलो। और इस हम लोगों को सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से रात को बच्चों ने कोशिश की इस आग को बुझाने की। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है, बच्चों के पास खड़ा होकर जो किसी का पति चला गया जल गया है, किसी का बेटा जल गया है, किसी की बहन जली है और एक ही परिवार के 3 लोग जले हैं। कैसे वो, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही, उसमें वो धुआं पड़ गया जिसकी वजह से आंखें खुद खोल के देख ही नहीं पा रहे। घटना बहुत ही भयावह है, बहुत ही तकलीफ दे। और हम अपनी तरफ से इलाके तरफ से ही कहते हैं परिवारों, पीड़ित परिवारों को उनको सांत्वना देते हैं, उनके साथ खड़े हैं, उस दुख में खड़े हैं। और हर संभव हमारे साथियों ने सुबह 6 बजे से यहाँ जो भी यहाँ मदद हो रही है परिजनों को खाने पीने की, उपचार कराने की, डॉक्टर से मिलकर उसमें सब लगे हुए हैं। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर और विधायक आफताब अहमद घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस अधीक्षक की माने तो ये पंजाब के एरिया के हैं और ये यात्रा पे गए थे। पर ये हादसा कैसे उसकी जारी है? फिलहाल ये ड्राइवर की भी लापरवाही पाई गई है इसमें, तो चेक करता दो आगे जैसी इन्वेस्टिगेशन रहेगी वैसी कार्रवाई। कितनी डेड बॉडी सर फिलहाल? अभी हमारे पास करीब 9 डेड बॉडी। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और करीब 2 दर्जन लोग घायल है। वही पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट चुकी है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंसाफ की बात।